हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज और पाइथन में कॉम्पेरिजन करेंगे इंट और फ्लोट डेटा टाइप का, और देखेंगे कि कैसे हम डिवीजन करा सकते हैं। और डिवीजन अगर इंट डेटा टाइप लेते हैं तो सी लैंग्वेज में क्या रिजल्ट आता है, और अगर इंट डेटा टाइप हम अगर पाइथन में लेते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, और फ्लोट लेते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं कोड ब्लॉक्स को ओपन करना चाहूंगा। यहाँ से फाइल पे जाना है और न्यू पे जाना है। ये फाइल पे गए और यहाँ से न्यू एम्प्टी फाइल चूज करनी है। यहाँ पर हमें लिखना है हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h। यहां पर इंट मेन फंक्शन लगाऊंगा, यहां पर नीचे कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पर वेरिएबल बना लेता हूं ए कॉमा बी कॉमा सी। ये तीन वेरिएबल हमने बना लिए। अब यहां पर यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखाई देना चाहिए, स्क्रीन पे यूजर को दिखाना दिखाई पड़ेगा एंटर द नंबर यू वांट टू डिवाइड, यही यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। स्कैनफ लगा लिया हमने, क्योंकि इंट डेटा टाइप लिया है तो यहां लिखा पहले परसेंट डी, फिर एक बार और परसेंट डी, दो बार परसेंट डी लिखेंगे, और फिर यहां पर एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी ये दे दिया हमने। अब नीचे आइए, यहां पर सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, अब इसी को प्रिंट करवा देना है। यहां पे लिखता हूं प्रिंट एफ, और यहां पे लिखने वाला हूं मैं परसेंट डी इज द डिवीजन। और यहां पर सी में जाके ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और यहां पर रिटर्न जीरो। और यहां पर क्या करेंगे, अब ये जो ब्रैकेट है वो क्लोज हो जाएगा, तो ये क्लोज हो गया। और अब इसको सेव करने की बारी है, तो यहां से इसको करेंगे सेव। यहां लिखता हूं मैं डिव डॉट सी, ये लिख दिया, इसको सेव कर दिया। और अब इसको कंपाइल करवाने की बारी है, तो यहां से कंपाइल करवाते हैं। ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब इसको रन करवाने की बारी, तो यहां से रन भी करवा लेते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है एंटर द नंबर यू वांट टू डिवाइड, तो वो नंबर एंटर करिए जिसको आप डिवाइड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम 8 एंटर करते हैं, 8 एंटर करा हमने, इसको डिवाइड करना चाहते हैं 2 से। तो देखिए 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा आंसर, यहां 4 इज द डिवीजन आ रहा है। चलिए इसको दूसरी बार रन करवाते हैं, इसी प्रोग्राम को दूसरी बार रन करवाया। इस बार हम 7 एंटर करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 2 से, यहां पर आंसर 3 आ रहा है। आना चाहिए कितना, 3.5, लेकिन आ कितना रहा है, 3 आ रहा है। तो यहां पर इंट डेटा टाइप या तो प्लस में वैल्यू होल्ड करेगा या तो माइनस में वैल्यू होल्ड करेगा, दैट्स वाई यहां पर ये आंसर आ रहा है। लेकिन पाइथन की बात करें तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, वहां पर ये कंडीशन नहीं लागू होगी। अब यहां पर अगर हमें रिजल्ट डेसिमल में चाहिए तो क्या करेंगे, यहां पर आपको लिखना होगा फ्लोट, एफ एल ओ ए टी फ्लोट लिख दिया। फिर यहां पर आपको परसेंट डी की जगह परसेंट एफ देना होगा, क्योंकि फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंट एफ होता है। यहां परसेंट एफ लगा दिया, और यहां पर भी आपको लगाना होगा परसेंट एफ लगा दिया। अब इसको सेव कीजिए, तो यहां से इसको सेव करता हूं, सेव कर दिया। अब इसको यहां से कंपाइल करवाना है, तो कंपाइल करवाया, इसे कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब इसको रन करवा देते हैं। अब यहां पर वो नंबर एंटर करता हूं, जैसे पहले एंटर किया 10 और इसको 2 से डिवाइड करना है, तो यहां देखिए 5 आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए हम डेसिमल वैल्यू लेते हैं, जैसे डेसिमल वैल्यू में रिजल्ट आता है, जैसे मान लीजिए 5 है और इसको 2 से डिवाइड करता हूं, तो डेसिमल में भी ये रिजल्ट दे देगा। ये फायदा है फ्लोट लिखने का, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं पाइथन पर, तो यहां पर पाइथन को ओपन कर लेता हूं। एक्स इक्वल टू इंट इनपुट, एक्स नाम का वेरिएबल लिया है हमने, और यहां पर आएगा एंटर द नंबर, ये आ गया यहां पे, एक और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इतना कर दिया। आप यहां पर सिंगल नोटेड कॉमा या डबल नोटेड कॉमा दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। वाई दूसरा वेरिएबल ले लिया हमने, इंट इनपुट एंटर, ठीक है। चलिए
यहां पे c इज इक्वल टू a अपॉन b कर देता हूं, x अपॉन y कर देता हूं, चूंकि x लिया है तो x अपॉन y कर देता हूं, कर दिया। अब यहां पे सिर्फ आपको लिखना है प्रिंट, इसको प्रिंट करवाना है रिजल्ट, तो आपको लिखना है प्रिंट और यहां पर देना है डिवीजन इज, और यहां पर वैल्यू कहां जाके स्टोर होगी, सी में, तो ये दे दिया हमने। बस आपको इतना ही करना है और अब इसको सेव करना है, तो चलिए सेव कर लेते हैं। पीवाई लगाना जरूरी, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट पीवाई, ठीक है। तो यहां पे सेव करता हूं इसको। अब चलिए अब इसको यहां से रन करवाते हैं, तो यहां पे रन करवाया हमने, यहां रहा एंटर द नंबर यू वांट टू डिवाइड, चलिए 56 एंटर करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करना है, आंसर कितना आ रहा है 28, चलिए सही है। अब फिर इसको प्रोग्राम को रन करवाते हैं, यहां से रन करवा दिया। अब यहां पर एंटर करता हूं 5, इसको 2 से डिवाइड करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे देखिए 2.5 रिजल्ट आ रहा है, यानी कि आप इंट भी ले रहे हैं तो भी ये पॉइंट में वैल्यू रिजल्ट पॉइंट में दे दे रहा है, ठीक है। क्या हमें ये डेटा पॉइंट में एंटर करने देगा, यही सेम हमारा कोड है और इसको अगर मैं रन करता हूं और हम यहां चाहें कि डेटा पॉइंट में एंटर करें 6.5 एंटर करें तो क्या ये एंटर करने देगा, एंटर प्रेस करता हूं, ये हमें एंटर नहीं करने देगा, कभी एंटर करने देगा हमें, एंटर तब करने देगा जबकि हम यहां लिखेंगे फ्लोट, चलिए लिखते हैं float, फ्लोट, ठीक है। यहां पर भी हमें फ्लोट ही लिखना होगा, सॉरी यहां पे x लिखेंगे, यहां पर फ्लोट लिखेंगे, ये जो इंट लिखा है इसके जगह फ्लोट लिख देंगे float, ठीक है, और यहां पर भी फ्लोट float, फ्लोट लिखा। अब हमारा काम आसान हो गया है, यहां से इसको करिए सेव, सेव कर दिया। अब इसको रन करता हूं, यहां से रन कर दिया, तो क्या अब हम पॉइंट में भी वैल्यू ले पाएंगे, हाँ बिल्कुल ले पाएंगे, यहां 5.5 लिखा और इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं 2 से, आंसर क्या आया 2.75, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें इसको फिर रन करता हूं, रन किया, अब यहां पे 7.2 एंटर किया और इसको डिवाइड करना चाहता हूं 2.2 से, तो क्या ये आंसर आएगा, बिल्कुल आंसर आ गया, ये देख सकते हैं आप। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये दोनों का डिफरेंस आपको जरूर समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आती हो तो शेयर कर सकते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।